Hi students, I'm Chandni Thakur. Welcome to Moolit Classes. Today I will discuss about CBSE Board Exam Paper Solution of 2015 and of Class 12th. जो आपकी Class 12th है, उसके जो CBSE Board में जितने भी आपके Exam Paper हैं 2015, 16, 17, 18, 19, 20 इन सब के Paper Discuss होंगे यहाँ पे. Alright? तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 2015 का एग्ज़ाम पेपर. ऑलराइट गाइस, तो जो आपका 2015 क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके 26 टोटल क्वेश्चंस आते हैं. दे आर अ टोटल क्वेश्चन ऑफ 26, ठीक है ना. यहाँ 26 क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को हमने 5 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है. 5 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई. ओके, तो जो आपका सेक्शन ई है, पहले तो मैंने क्या बोला कि आपके टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, 26 आते हैं और सेक्शन कितने हैं आपके, 5 हैं. ठीक है, तो जो आपका सेक्शन ए है तो उस सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आते हैं 1 से लेके 5 तक आपके क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 1 मार्क का. ऑलराइट, अब आपका जो सेक्शन बी है, ठीक है ना, जो आपका सेक्शन बी है उसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे 6 to 10 और ईच क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 2 मार्क्स का होगा. ओके, अब आपका सेक्शन आता है सी, तो सेक्शन सी में आपके क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 22 तक और ईच क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, ये आपके क्वेश्चन होंगे 3 मार्क के. कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे. अब सेक्शन डी आता है, तो सेक्शन डी में ओनली आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, यस 4 मार्क्स का होगा. ठीक है ना, अब आपका एक सेक्शन रह जाता है सेक्शन ई, तो इस सेक्शन में तो इस सेक्शन में आपके क्वेश्चन आएंगे 24 to 26. ठीक है, 24 से लेके 26 तक किसमें है, सेक्शन ई में. ठीक है, और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के. ठीक है, सेक्शन ई में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी. ठीक है, सेक्शन सी में आपको चॉइस मिलती है, सेक्शन डी, सेक्शन ई में. ठीक है, इन सब में आपको कुछ ना कुछ चॉइस मिलती है. ठीक है ना, तो आप लोग उनको देख के कीजिए. ठीक है, वहाँ पे आपको लिखा होगा और करके, तो वहाँ पे उनमें से एक अटेम्प्ट करना है. ठीक है ना, ओके. तो अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन ए की. ऑलराइट, आर यू रेडी गाइस? ओके, अब आपका पेपर डिस्कशन हो रहा है 2015 का. ओके, एंड क्लास 12, स्टैंडर्ड 12. Write two specific codons that a translation unit of mRNA is flanked by one on either side. मतलब जो translation, जो mRNA की translation unit होती है, ठीक है, translation में जो codon use होते हैं, तो दो specific codon के name बताने हैं. एक आपको start codon और जो आपका stop codon होता है, ठीक है ना, start codon को बताना है आपको और stop codon को बताना है. तो स्टार्ट कोडोन कौन होता है, AUG, ठीक है ना, वन ऑन आइदर साइड, में दोनों साइड बताना है. तो आपका स्टार्ट कोडोन कौन होता है, AUG, ठीक है ना, वन साइड पे. स्टॉप कोडोन कौन होता है आपका, UAA होता है, UGA एंड UAG, ठीक है ना, UAA, UGA एंड UAG, ठीक है ना, UAG. ओके, ये होते हैं आपके स्टॉप कोडोन. देखिए आप लोग डायग्राम में देखिए, ये आपकी mRNA है, ठीक है, 5' एंड 3'. ठीक है, स्टार्ट कोडोन आप लोग देखिए क्या है आपका स्टार्ट कोडोन, ए यू से हम क्या बोलते हैं, मिथ्योनिन बोलते हैं, ठीक है ना, मिथ्योनिन. फिर आपको देखिए और आपके कोडोन है, ठीक है ना, एंड आपका स्टॉप कोडोन कौन है, ये एन टर्मिनेट होता है और सी टर्मिनेट होता है. स्टॉप कोडोन कौन है, यू ए ए, यू ए जी एंड यू जी ए, ठीक है ना, ये पॉलीपेप्टाइड की पूरी आपकी चेन है. ऑल राइट, अनदर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, स्टार्ट कोडोन ए यू जी, मिथ्योनिन है आपका, एंड स्टॉप कोडोन कौन है, यू जी ए. द स्टार्ट कोडोन इज ए यू जी एंड इज ऑल्सो कोड फॉर मिथ्योनिन, ठीक है ना, ये मिथ्योन के लिए कोड होता है. एंड देयर आर 3 स्टॉप कोडोन, यू जी ए, यू ए ए एंड यू ए जी. ऑल राइट गाइस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड.
ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपका दे रखा है सेक्शन ए में, मतलब वो बनना का क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है स्टेट द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टिक्स एंड डॉग्स। जो टिक्स एंड डॉग्स होते हैं उनके बीच में कौन सा इंट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। डॉग्स आपने देखा होगा, जो डॉग्स होते हैं उनकी बैक पे, उनकी बॉडी पे कुछ टिक्स लग जाते हैं, ठीक है ना, कुछ कीड़े लग जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच में कौन सा रिलेशन है, कौन सा इंट्रैक्शन हो रहा है, पैरासिटिज्म का। मतलब डॉग्स की बॉडी पर कौन परजीवी है, कौन पैरासाइट है, वो टिक्स है। टिक्स अपने होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। होस्ट कौन है, यहाँ डॉग है, ठीक है ना। तो डॉग से टिक्स क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप लोग वेट, देखिए यहाँ पे आपको एक डॉग दिख रहा है, ठीक है ना। और डॉग के आप लोग ईयर में देखिए क्या है, टिक है, टिक्स है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एक टिक को आइडेंटिफाई किया हुआ है, देखिए, ठीक है, ये आपका टिक्स है जो डॉग की बॉडी पर पैरासाइट के रूप में रहते हैं, ठीक है ना, परजीवी के रूप में, इसी से अपना फूड लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन इंडिविजुअल्स अफेक्ट विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। मतलब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो कौन से क्रोमोसोम में होता है, ठीक है, और किस इंडिविजुअल को डिफेक्ट करता है। तो हमें पता है जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो होता है मेल में, ठीक है ना, मेल में होता है, पुरुष, ठीक है ना, पुरुष में होता है। तो क्या होता है यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, जो आपको पता है कि आपके पास मेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स और वाई, ठीक है, किसमें होते हैं, मेल में होते हैं। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है एक्स, एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मेल हैव एन एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम। तब इनके क्रोमोसोम में क्या होता है, क्लाइंट, जब ये तो नॉर्मल है, एबनॉर्मल मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, ठीक है ना, ये एक्स, एक एक्स्ट्रा एक्स यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कैन बी कॉज्ड बाई वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी यहाँ आ जाती है, इन ईच सेल एक्स एक्स वाई हो जाता है। द मोस्ट कॉमन कॉज एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन सम ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए इसके कॉज क्या क्या है, क्या होता है इसमें, तो देखिए आप लोग, लोअर आई क्यू देन सिक्स, ठीक है ना, मतलब लोअर आई क्यू हो जाता है यहाँ पे, टॉल स्टैचर हो जाता है, पुअर मसल्स हो जाती हैं, रिड्यूस सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टर्स, जो सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड गायनेकोमेस्टिया मेल ब्रेस्ट में आ जाती हैं, ठीक है ना, ब्रेस्ट थोड़ा डेवलप हो जाती हैं। एंड स्मॉल टेस्टिस, और जो टेस्टिस होता है उसका साइज स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये हैं कुछ इसके करेक्टर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फोर, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड मेंशन द वेजिटेटिव पार्ट दैट हेल्प इन टू प्रोपागेशन। आपको इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उसके वेजिटेटिव पार्ट को बताना है जो प्रोपागेशन में हेल्प करती है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो आप सबको पता है कि ये पिक्चर किसकी है, ये पिक्चर है जिंजर, ऑफ कोर्स, जिंजर मतलब अदरक। और इसका वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, राइजोम, ठीक है ना, मतलब इसके थ्रू ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो इन जिंजर बेस्ट प्रोडक्ट अकर थ्रू राइजोम, राइजोम के थ्रू होता है। राइजोम आर स्टेम विच ग्रो हॉरिजेंटली अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडर द ग्राउंड, ये ग्राउंड के अंदर हॉरिजेंटली ग्रो करती है। राइजोम क्या है, एक स्टेम है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ देखिए, देखिए आप लोग इस डायग्राम में आपका राइजोम है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे राइजोम, ठीक है। तो हॉरिजेंटली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस शूट एंड रूट, ठीक है, यहाँ भी देखिए आप लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टेट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ सैकिरम ऑफिसिनेरम इन कंपेरिजन टू सैकिरम बेरबेरी, ठीक है ना। ये सैकिरम ऑफिसिनेरम क्या है, ये एक्चुअली आपका सुगर केन है, सुगर केन का साइंटिफिक नेम है। तो इसकी दो स्पीसीज हैं, एक सैकिरम ऑफिसिनेरम और एक सैकिरम बारबेरी। तो सैकिरम ऑफिसिनेरम आपका, उसके इकोनॉमिक वैल्यू क्यों ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सैकिरम बारबेरी। तो सैकिरम बारबेरी हैज़ पुअर सुगर कंटेंट, ठीक है ना। जो सैकिरम बारबेरी होता है उसमें पुअर सुगर कंटेंट होता है। हमें पता है कि सुगर केन किस में काम आता है, सुगर बनाता है, चीनी बनाता है, गुड़ बनाता है। तो सैकिरम बारबेरी हैज़ पुअर सुगर कंटेंट, इसमें पुअर सुगर कंटेंट होता है, ठीक है ना। एंड यील्ड, इसकी उपजाऊ भी बहुत कम होती है। और सैकिरम ऑफिसिनेरम हैज़ थिकर स्टेम, और इसकी स्टेम भी क्या होती है, थिन होती है। और ऑफिसिनेरम की स्टेम थिक होती है एंड हाई सुगर कंटेंट, ठीक है ना, और इसका हाई सुगर कंटेंट होता है और इसकी यील्ड भी बेटर होती है देन
बारबेरी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देखिए डायग्राम में सेकंड नंबर बारबेरी है, देखिए इसकी स्टेम थिन है, इसकी स्टेम देखिए मोटी है, आपकी थिक है, ठीक है। थिकर स्टेम एंड हायर सुगर कंटेंट किसकी बात कर रहा है, सैकेरम ऑफिसिनेरम की। सैकेरम बारबेरी पुअर सुगर कंटेंट एंड यील्ड, इसकी यील्ड भी पुअर है एंड इसकी सुगर कंटेंट भी कम है। ऑल राइट, ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 5। तो सेक्शन ए के आपने 5 के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ओके, एंड ईच क्वेश्चन कितने मार्क का है, 1 मार्क का है। ऑल राइट गाइज, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी पे। तो स्टेट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम एंड रिलीज फैक्टर इन प्रोटीन सिंथेसिस रेस्पेक्टिवली, ओके। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का आपको फंक्शन बताना है एंड रिलीज फैक्टर, और इससे जो रिलीज फैक्टर होता है प्रोटीन सिंथेसिस में उसको भी बताना है आपको। तो राइबोसोम एक्ट एज कैटलिस्ट इन बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में एक कैटलिस्ट, एक एंजाइम की तरह वर्क करता है फॉर ट्रांसलेशन एंड रिलीज फैक्टर, ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए और फैक्टर को रिलीज करने के लिए फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन को अच्छे से बनाने के लिए। राइबोसोम हेल्प इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, राइबोसोम इसमें करता है प्रोटीन सिंथेसिस में पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, फॉर्मेशन की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। एंड रिलीज फैक्टर टर्मिनेट ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रीमैच्योरली एंड रिलीज पॉलीपेप्टाइड्स फ्रॉम राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम से पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग इसे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राइट द फंक्शन ऑफ क्राई1ACGN, जो क्राई1ACGN है इसका फंक्शन क्या है। तो चलिए हम क्राई1ACGN को थोड़ा हम अच्छे से देखते हैं। देखिए जो क्राई1ACGN है उसको हम किस में, मतलब ये किस में पाया जाता है, ये आपका जो एक बैसिलस थ्रियोजेंसिस, ठीक है ना, बैक्टीरिया है उसमें क्राई1ACGN पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब जो बैक्टीरिया है उससे हम क्राई1ACGN को निकालते हैं एंड इसके क्रिस्टल, मतलब इसके जो क्रिस्टल प्रोटीन है उसको निकालते, वो इनएक्टिव होती है, ठीक है ना, मतलब जो आपका बैसिलस थ्रियोजेंसिस, देखिए मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है इसको, आप देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, वेट। देखिए क्या होता है, जो आपका एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, मेरी बात को सुनिए, बैसिलस थ्रियोजेंसिस बैक्टीरिया है तो उसमें क्राइजीन पाया जाता है, ठीक है ना, मेक क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है ना, और ये क्या बनाता है, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो आपकी क्राइजीन है ये बहुत इनएक्टिव फॉर्म में होती है। फिर इसको हम सोलबलाइज करते हैं एल्कलाइन पीएच में, तो इसको हम एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। फिर इसको हम जो आपका इंसेक्ट है, ठीक है ना, इसके ऊपर जो इंसेक्ट होता है कॉटन बॉल वॉर्म, कहने का मतलब है जो आपका क्राई1ACGN है उसको हम बैक्टीरिया से निकालते हैं और बीटी कॉटन फसल, जो बीटी मतलब कॉटन फसल होती है, बीटी कॉटन फसल, उसमें हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, क्राई1ACGN को बीटी कॉटन फसल में, ठीक है ना। अब क्या होता था, बीटी कॉटन फसल को जो कॉटन बॉल वॉर्म है, ठीक है ना, ये कॉटन बॉल वॉर्म एक इंसेक्ट है, ठीक है ना, तो ये इंसेक्ट उस बीटी कॉटन की फसल को पूरा ख़त्म कर देता था, मतलब पूरी फसल को डैमेज करता था। तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया बैसिलस थ्रियोजेंसिस से हमने क्या निकाला, एक जीन निकाला, ठीक है ना, क्राइजीन, और उसको हमने इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाई, फिर हमने उसको बीटी कॉटन में डाला, ठीक है ना। अब जब ये कॉटन बॉलवर्म जब उस बीटी कॉटन को खाएगा, ठीक है ना, उसको फीड करेगा उस पर, तो ये जो आपका क्राई1ACGN है वो उसकी गट में पहुंच जाएगा और उसकी गट में छोटे छोटे से पोर्स करेगा, ठीक है ना, पोर करेगा और इंसेक्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बीटी कॉटन की फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो ही बता रहा है फंक्शन ऑफ क्राई1ACGN का फंक्शन क्या है, तो आप लोग देख लीजिए, क्राई1ACGN इज वन ऑफ द डेल्टा एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। क्राई1ACGN एक डेल्टा एंडोटॉक्सिन है जो प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरियम के द्वारा, विच एक्ट एज इंसेक्टिसाइड, जो एक इंसेक्टिसाइड की तरह वर्क करता है, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को मारता है। बिकॉज ऑफ दिस द जीन फॉर दिस हैव बीन इंट्रोड्यूस इनटू कमर्शियली इंपोर्टेंट क्रॉप बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम कॉटन एंड कॉर्न की फसल में इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, इन ऑर्डर टू कन्फर पेस्ट रेसिस्टेंट ऑन दोज प्लांट, ठीक है ना, और ये फिर जो प्लांट है वो पेस्ट
रेसिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब इसमें अब कोई भी जो आपका कॉटन बॉल वॉर्म है वो इस फसल को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, अगर डैमेज करेगा तो उसके इंटेस्टाइन में पोर्स हो जाएंगे, किसके लिए, किसके द्वारा, जो आपका बैसिलस थ्रियोजेंसिस बैक्टीरिया के अंदर जीन है क्राइबन ईसी जीन, उसके द्वारा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आपके में दे रखा है आरएनए इंटरफ्रेंस क्या होता है, आरएनएआई। तो आरएनए इंटरफ्रेंस को हम क्या और क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग बोलते हैं, पीटीजीएस। इज अ कंजर्व्ड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है ना, ये कंजर्व करता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए के रेस्पॉन्स होता है, दैट मेडिएट्स रेसिस्टेंट टू बोथ एंडोजिनस पैरासाइट। ठीक है ना, ये जो एंडोजिनस पैरासाइट उसको उसके लिए रेसिस्टेंट होता है और एंड एक्सोजिनस पैरासाइट के लिए भी। ठीक है, न्यूक्लिक एंड रेगुलेट द एक्सप्रेशन प्रोटीन कोडिंग जीन। ठीक है ना, जो प्रोटीन कोडिंग जीन है उनको एक्सप्रेशन उनका एक्सप्रेशन उसको रेगुलेट करता है। ठीक है ना, राइट, तो आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आपका अब ये है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपांड सीएफसी। आपको सीएफसी की फुल फॉर्म बतानी है। तो सीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। यस, वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। ओके, देन अब आपका इसमें बी पार्ट दे रखा है, हाउ डज इट रिड्यूस ओजोन टू ऑक्सीजन। मतलब जो आपका, जो आपकी ओजोन है वो कैसे रिड्यूस हो रही है, वो ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना, तो देखिए मैं आपको पहले इसको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्या होता है कि जो आपकी, जो आपके एसी हैं, ठीक है, आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं, तो इन सब से क्या निकलती है, आपकी सीएफसी निकलती है। ठीक है ना, तो फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, CFCl3 होता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है जब यूवी रेडिएशन आती है, कहाँ से, सन। ठीक है, यूवी रेडिएशन आती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे क्या करती है, इसे रिएक्ट कर, तो क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है, कैसे होता है, CFCl2। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्लोरीन मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, फिर अब आपका CFCl रह जाता है, फिर यहाँ से आपका एक क्लोरीन मॉलिक्यूल निकलता है। और अब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जो ओजोन है, ठीक है ना, ओजोन से क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, CLO, ठीक है, एंड क्या बनता है आपका, ऑक्सीजन O2 बनता है। फिर ये ऑक्सीजन, ठीक है, फिर से आपके इस क्लोरीन से बाइंड करता है, और फिर मतलब एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा, सॉरी, एंड एक आपका, फिर से आपका एक ऑक्सीजन फिर बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ये ओजोन लेयर को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, कौन, क्लोरीन। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि सीएफसी क्लोरीन, मतलब जो आपकी ओजोन लेयर है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो वही लिखा है, इन स्ट्रेटोस्फीयर पे कौन पाई जाती है, आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है ना, आपकी काफ़ी सारी लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, तो ये सारी आपकी एटमोस्फीयर की लेयर हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में यूवी रेज एक्ट करती है ऑन सीएफसी से। ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में जो यूवी रेज किस पे एक्ट करती है, सीएफसी से। ठीक है ना, कैसे रिएक्ट किया मैंने आपको बताया, सीएफसी जो आपका वो अलग अलग टूट जाती है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्लोरीन मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज होता है, एंड देयर रिलीजिंग क्लोरीन, और क्लोरीन वहाँ से रिलीज होगा, विच डिग्रेड्स ओजोन, और जो ये ओजोन को डिग्रेड करता है, रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैसे रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, अ सिंगल क्लोरीन एटम कैन बी कन्वर्ट 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ठीक है ना, मतलब एक सिंगल क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, और वहाँ से उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है ना, तो ऐसे हमारी ओजोन लेयर क्या है, डिप्लीशन हो रहा है, ऐसे हमारी ओजोन लेयर का, तो ये है आपका आंसर। ठीक है ना, आपका डिप्लीशन कैसे हो रहा है ओजोन लेयर को, तो ऐसे होता है। ऑलराइट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये सारे क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क के हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बोल रहा है आपसे, इसमें और करके दे रखा है। ठीक है, या तो आपको ये करना है या आपको ये करना है, बट मैं यहाँ पे आपको दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। ऑलराइट गाइस, ठीक है ना, क्या पता आपको कौन सा करना हो। ठीक है, मेरा तो पर्पस क्या है कि आपको पूरा पेपर ही डिस्कस कराना है, मतलब जितना आपका 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, मैं ये सारे बोर्ड एग्जाम आपको डिस्कस कराऊंगी यहाँ पे। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन दूंगी आपको उनका। ठीक है, ऑलराइट, ओके, चलिए, व्हाट हैपन टू कॉर्पस ल्यूटियम इन ह्यूमन फीमेल इफ द ओवम इज फर्टिलाइज और नॉट फर्टिलाइज।
आपको बताना है क्या घटित होगा कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। फीमेल में जो फीमेल का यूट्रस होता है तो वहाँ पर जब ओवम फर्टिलाइज होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, नहीं होगा तो क्या होगा, तो उस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है, ठीक है ना। इफ़ द ओवम इज फर्टिलाइज करता है और नहीं करता है, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं फिर और वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ऑल राइट गाइज, ओके, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको तो सब पता है, आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। यदि फर्टिलाइज हो गया, पहला ऑप्शन, यदि फर्टिलाइज हो गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूस रहती है, ठीक है ना, और सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन को टू मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक है ना। देखिए हमें पता है कि यदि स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी होगी, ठीक है ना, प्रेग्नेंट हो जाएगी कोई लेडी, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, कंटिन्यू ऐसे बना रहेगा और प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। इट परसिस्ट एंड प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ यही। चलिए पहले हम देखते हैं पूरा अपने यूट्रस को, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये होता है यूट्रस, ठीक है ना, ये आपकी ओवरी है, यहाँ से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे जब आपका स्पर्म आता है थ्रू वजाइना थ्रू सर्विक्स तो यहाँ पे फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज करेगा तो आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना, मतलब पूरा आपका जायगोट बन जाएगा। तो अब जब जायगोट बन फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या करता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे क्या आपकी, देखिए यहाँ पे ये, ठीक है ना, यहाँ देखिए पूरा डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि प्रीमोडियल फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल, ठीक है, ओसाइट, ओवम है, देखिए ओवम है ये, ठीक है, ओवम आ रहा है, ठीक है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है। अब ये फॉलिकुलर क्या है, रप्चर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ओवम बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब ओवम यहाँ से बाहर निकल जाता है तो जब कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है ना, अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम ये आपका एंड कॉर्पस एल्विकन्स बन जाता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या करता है, अब ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है जो जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए आप इस अनदर डायग्राम में देखिए, देखिए ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, एंड ओव्यूलेशन रिजल्ट इन डिस्चार्ज सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, फर्टिलाइज होगा तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है ना। ओव्यूलेशन हो गया यहाँ पे तो रिजल्ट इन डिस्चार्ज सेकेंडरी ओसाइट, यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया, ठीक है। अब नॉट फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, इन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइज नहीं होता है द कॉर्पस ल्यूटियम बिकम इनएक्टिव, तो कॉर्पस जो ल्यूटियम है वो इनएक्टिव हो जाता है आफ्टर 10 to 14 डेज में, ठीक है ना, 10 से 14 दिन में जब वहाँ से ओव्यूलेशन होता है 10 से 14 दिन में क्या होगा आपका मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम वो इनएक्टिव हो जाएगा एंड मैस्टुरेशन अकर और मैस्ट्रुअल साइकिल जो है जो आपकी होती है मैस्टुरेशन मेंसेस होने लगती है, ठीक है, ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं होगा तो, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है और करके वो है, राइट द डिफरेंस बिटवीन टेंडर कोकोनट वाटर एंड द थिक वाइट कर्नल ऑफ अ मैच्योर कोकोनट एंड देयर प्लॉयडी, ठीक है, इनके प्लॉयडी के बारे में बताना है। तो इन मैच्योर कोकोनट द लिक्विड एंडोस्पर्म बिकम मिल्की इनक्लोज्ड बाई सेलुलर पार्ट कॉल्ड कॉल्ड कर्नल, ठीक है ना। जो मैच्योर कोकोनट जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो मिल्की हो जाता है, इनक्लोज होता है सेलुलर पार्ट से, क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, ठीक है ना। जो लिक्विड एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है वो मिल्की होता है और इनक्लोज मतलब क्लोज होता है सेलुलर पार्ट से, क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, एंड इट डज नॉट कंटेन फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है, इसके पास कोई फ्री न्यूक्लियाई नहीं होते हैं। दस कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो कोकोनट जो आप कोकोनट के अंदर वाटर देखते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है एंड वाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म, और वाइट कर्नल क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। द प्लॉयडी इन बोथ ऑफ टर्म इज 3n, कितनी होती है, 3n होती है, ट्रिप्लॉयड बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिप्लॉयड बोलते हैं। प्लॉयडी कितनी होगी इसकी, 3 होगी, ठीक है, दोनों की, ओके। मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, मे बी डायग्राम होगा, देखिए ये है आपका कोकोनट, तो आप यहाँ देखिए ये आपका एंडोस्पर्म है, कोकोनट मीट, ठीक है ना, एंड लिक्विड एंडोस्पर्म है, ठीक है ना, और देखिए एंडोकार्प होता है, ये मीजोकार्प है, एक्सोकार्प है, ठीक है ना। तो प्लॉयड कितनी होती है, 3n होती है, ठीक है, ट्रिप्लॉयड होता है ये, ओके। तो यहाँ पे भी आपको देख लीजिए एंडोकार्प है, ठीक है, सॉलिड एंडोस्पर्म है आपका एंड लिक्विड एंडोस्पर्म है, ये सॉलिड होता है ये वाला, ठीक है, जो हम लोग गरी खाते हैं, जो हम बोलते हैं गरी है ना, और ये लिक्विड है, ठीक है, सो लिक्विड होता है, उसका पानी होता है वो, ठीक है ना।
तो अब देखिए आप लोग यहाँ पे क्या हुआ, जो लिक्विड एंडोस्पर्म है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है और सॉलिड क्या होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और लिक्विड को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं सिंसिसियम बोलते हैं, ठीक है ना, और इसकी प्लॉयडी क्या होती है 3N होती है, ओके ऑलराइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, तो क्या लिखा है, स्टेट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप गिवन रीजन बिटवीन द थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड ट्रेंडल ऑफ कुकरमिंट। देखिए हमें क्या बताना है कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है किस किस के बीच, बोगेनविलिया के थॉर्न के बीच एंड कुकरमिंट के ट्रेंडल के बीच। जो बोगेनविलिया होता है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ अगर बोगेनविलिया का वेट, चल मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो हमने क्या देखा कि उनके बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखाना है कि ये होमोलोगस हैं, ठीक है ना, इनमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है कौन सा है। तो हम बता दें आपको कि जो बोगेनविलिया और जो बोगेनविलिया का थॉर्न, बोगेनविलिया का कांटा और कुकरमिंट का टेंडल क्या होते हैं, ये लोग एक दूसरे के होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। मतलब बोगेनविलिया के टेंडल थॉर्न जो कांटा होता है उसमें वो, और कोकोनट की टेंडल क्या होती है होमोलोगस, मतलब इनकी ओरिजिन सेम होती है। मतलब ये मॉडिफाइड क्या होते हैं, यस मॉडिफाइड, यस यस स्टेम होते हैं, वेरी गुड। तो आप लोग यहाँ देखिए बोगेनविलिया का थॉर्न देख रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए टेंड्रिल है, ठीक है, तो मॉडिफाइड स्टेम है। तो आप लोग देखिए बिकॉज दे हैव द सेम ओरिजिन, इनकी सेम ओरिजिन होती है, ठीक है ना, ऑरिजिन सेम मतलब स्टेम ही होते हैं, बट इनका फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। थॉर्न प्रोटेक्टिव में हेल्प करता है, जो बोगेनविलिया का थॉर्न है वो अपने आप को प्रोटेक्टिव प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव में हेल्प करता है, और टेंड्रिल को ना क्लाइम करने में क्लाइम करता है, ठीक है ना। तो जो थॉर्न होता है बोगेनविलिया वो प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम हर्बीवोर्स, ठीक है ना, हर्बीवोर्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, एंड व्हाइल टेंड्रिल हेल्प इन क्लाइंबिंग, और टेंड्रिल क्लाइंबिंग करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब इनका क्या है, इनकी ओरिजिन तो सेम है बट इनका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। इट प्रेजेंट अ केस ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है कि ओरिजिन सेम है बट ये फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट हुए, डाइवर्स हो गए हैं, ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ओके। देखिए यहाँ पे ऑलराइट, यहाँ भी देखिए होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक है, दीज आर द ऑर्गन हैविंग सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, फोर लिम ऑफ ह्यूमन चीतल व्हेल एंड विट, ये का भी एग्जाम्पल दे रखा है, एंड थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंडल ऑफ कुकरमिंट रिप्रेजेंट होमोलॉजी, ठीक है, होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपका आता है सेक्शन सी, जो ईच क्वेश्चन कितने मार्क का है, 3 मार्क्स का है, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें 3 मार्क्स का। तो ऑलरेडी आपकी वीडियो 27 मिनट्स की हो गई है, तो अब हम इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, लाइक आपको जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है ना, तो आप कैसे लिखेंगे, आपको सेक्शन ए है तो यहाँ लिखेंगे आप, वेट मैं इसको रेज कर दूँ पहले, ओके। जैसे आपको सेक्शन ए लिखना है, ठीक है, सेक्शन ए, तो यहाँ पे आप डालेंगे सेक्शन ए, पैटर्न कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन लिखना है, सेक्शन ए एंड क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, और उसका फिर यहाँ पे हमें नीचे लिख दो, ऊपर कहीं भी लिख दो, आंसर लिख देना है, फिर हमें यहाँ पे उसका आंसर लिखना है, जो कोई भी उसका आंसर है ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे सेक्शन ए आपको ऊपर डलाई है। अब यहाँ पे डालो क्वेश्चन नंबर टू, देन उसका आपको आंसर लिख देना है, ठीक है ना, आंसर जो कोई भी है आपको वो यहाँ लिखना है, ऐसे क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन, और आगे उसके आंसर लिखिए, आंसर रहिए, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें कि सेक्शन बी की बात करें, ठीक है, सेक्शन बी की बात करें तो आपको लिखना है सेक्शन बी, ऊपर डाल देना है यहाँ पे सेक्शन बी अंडरलाइन करके, और हमें तो आप ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, यहाँ पे लिखिए और उसका आंसर यहाँ लिखिए, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा लिखना है आपको सेक्शन बी, ठीक है, और डबल अंडरलाइन करनी है, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर लिखना है आपको, यहाँ पे डालिए क्वेश्चन नंबर टू, उसका आंसर लिखिए यहाँ, देन क्वेश्चन नंबर थ्री, उसका आंसर लिखिए, ठीक है ना, और बिल्कुल एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ये नहीं क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख दिया तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप थ्री लिख दिया, टू को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, ऑलराइट। ऐसे ही आपका यहाँ फिर आता है सेक्शन सी, ठीक है, तो सेक्शन सी को भी आपको ऐसे ही लिखना है, सेक्शन सी, ठीक है, अंडरलाइन करके, देन आपका क्या है क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर वन है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर टू, तो यहाँ आपको इसका आंसर लिखना है।
ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नोट नहीं करना, ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमें कितने मिनट्स मिलते, कितने आवर्स मिलता है, 30 आवर्स का टाइम मिलता है, ठीक है ना, सॉरी 3 आवर्स का टाइम मिलता है, तो आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स 50 मिनट आपको जनरल जो आपको दे रखा है उस पढ़ने को मिलता है, एंड आपका कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का, ठीक है, तो आपको टाइम पूरा ध्यान में रखते पूरा एग्जाम पेपर को सॉल्व करना, उसके सेक्शन ए सेक्शन भी स्टेप से डालना, कोई क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना। अब आपका सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शन ई रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है ना, ये आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा और पार्ट सेकंड में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है ना, 11 to 22 वो एक पार्ट में डिस्कस कर दूंगी, एंड जो आपके अदर क्वेश्चन है 23, 24, 26 वो अदर आपके वीडियो में डिस्कस होंगी। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच थैंक यू, आप लोग इसको देखिए, ठीक है, मैं आपको प्लेलिस्ट में वो सेकेंड पार्ट भी डाल दूँगी।